दुनिया में सबसे हैवी रॉकेट छोड़ने की क्षमता स्पेसएक्स इलोन मस्क। हम ही लोग को सरकार कह दे कांसर बहुत हैवी रॉकेट लॉन्च करने का सिस्टम लगाना है। हम कहें कोई बात नहीं। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग का टेस्ट किया है। इसका नाम क्या है? पुष्पक। पुष्पक जहाज का नाम है पुष्पक। ये दोबारा से पृथ्वी पर उतर जाता है। पुष्पक जहाज क्या होता है? दोबारा पृथ्वी पर उतर जाता है। यहाँ पे इसी में सैटेलाइट भर के भेज दिया जाएगा, उतर जाता है अपने से। यहाँ पर ये अंतरिक्ष में जाएगा, वहां सैटेलाइट छोड़ के वापस क्या आ जाएगा? उतर जाएगा। जबकि इलोन मस्क की जो टेस्ला ने जी स्पेस एक्स, वो ऐसे सैटेलाइट छोड़ते हैं सब, वापस उतर के क्या आ जाता है? चला आता है। जिस वजह से उसका थोड़ा सस्ता पड़ेगा। फिर भी दुनिया में सबसे हैवी रॉकेट छोड़ने की क्षमता किसके पास है? स्पेस एक्स इलोन मस्क। समझ गया? हम लोग के पास भी यदि ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट को दिया जाए, अडानी अंबानी को दिया जाए, तो ये सब धड़ल्ले से लाएंगे। अरे प्राइवेट को क्या जाता है? जैसे हम ही लोग को सरकार कह दे खान सर बहुत हैवी रॉकेट लॉन्च करने का सिस्टम लगाना है। हम कहें कोई बात नहीं, बस आप लोन ऑफ क्रेडिट पास करा दीजिए। किससे? एसबीआई से। एगो फ्लाइट पकड़ के जाएंगे कैलिफोर्निया, पूछेंगे स्पेस एक्स का ऑफिस किधर है, कहेगा इधर है यहाँ पे। अब देखेंगे कौन किधर रेस्टोरेंट चाय पानी किधर जा रहा है, उसके एचआर से बात करेंगे। एचआर मतलब समझते हैं जिसके पास सारे कर्म, जितना टीम मेंबर है सब, उसमें सबसे बात करें। चलो भाई तुमको यहाँ कितना मिलता है? तो 5 करोड़। इंडिया आ जाओ 8 करोड़। आपको कितना? 12। इंडिया आओ 15। बस बैकअप में रहना चाहिए। आ गया इंडिया में रॉकेट बनना चालू हो गया कि नहीं हो गया? हम अपने यहाँ काहे लिए बनाएंगे? आपके यहाँ जो बिया पड़ता है तो खाना बनाने वाले बाबरची आते हैं, तो उनको आप ट्रेनिंग देते हैं? सीख क्या रहता है? उसी को लेवे करते हैं जो जानता है पहले से। नहीं बुझी, बुद्धि नहीं खुला, बस वही ले आते हैं।